ये है एपी न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आखर प्रहरी, खबरों की पड़ताल तह तक। लॉकडाउन का फायदा चोर भी उठाने लगे हैं। दिन रात प्रशासन कोरोना संक्रमण से बचाने में लगी है, वही चोर दुकानों में सफाई करने में लगे हैं। लाखों की संपत्ति ताला तोड़कर चोर ले गए। आपको बताते चले, नवादा जिले के कादिरगंज थाना क्षेत्र में चोर की मस्ती देखने लायक है। रात भर चोर ताला तोड़कर सामान ढोते रहे और प्रशासन कुंभकर्णी नींद में सोती रही। लगातार चोरी की घटना से अजीज होकर ग्रामीणों ने कादिरगंज पकड़ी बढ़ाओ सड़क को जाम कर दिया तथा चोरों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े रहे। चोरों ने अपने निशाना मेडिकल दुकान के अलावा किराने की दुकान पर भी हाथ साफ किए हैं। मौके वारदात पर कादिरगंज थाना पहुंची है तथा चोरों की सुराख लेने में लगी हुई है। बहरहाल दुकानदार चोरों की इस हरकत से परेशान है। दुकानदारों का कहना है कि एक तरफ लॉकडाउन लगने से दुकानदारी बंद है, वहीं बची हुई पूंजी को भी चोरों ने साफ कर दिए। घटना नहीं होगा। बताइए मुखिया जी, क्या मामला है? चोर को पकड़ी बताइए। यही है कि आए दिन बाजार में चोरी हो रहा है, किसी का दुकान में चोरी होता है, मोटरसाइकिल चोरी होता है, एटीएम से यहाँ भी चोरी हो रहा है, प्रशासन इसको कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। आप लोग का क्या मांग है? मांग है कि हम लोग सुरक्षा प्रदान किया जाए, जो दुकानदार को चोरी हुआ उसका अगर मुआवजा उसको दिलवाया जाए, जो अपराधी उसको पकड़ा जाए। तो आज आपने रोड जाम किया है, इसके बारे में क्या कहना है? कहना है कि हम लोग को बड़ा भाव से आश्वस्त किया जाए कि आज के बाद इस तरह का घटना नहीं, उसका हम लोग एक करेंगे, चोर को पकड़ेंगे। क्या नाम है आपका? उमेश कुमार। क्या चीज का दुकान था ये? दवा दुकान। कितना का नुकसान हुआ होगा? 2 से 2.5 लाख का नुकसान हुआ। लड़का आज ही बता रहा हूँ, 4 लाख का हुआ। क्या नाम हुआ आपका? हम लोगों ने 5 इन्फॉर्मेशन 5:30 में दिए हैं और 7 बजे तक पुलिस नहीं आए, थाना गए, पुलिस को कोई 5% आके अटेंड नहीं किया पब्लिक को, उसके बाद हम लोगों ने रोड जाम किया। कितना का नुकसान लगा? कितना का नुकसान? उन लोग का 2 लाख का हुआ है, जिसका चोरी हुआ है। मेरा किराना दुकान है, मेरी दुकान में शटर को उठाया है, वो पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं हुआ, बट ये लगा इसको लगा कर मेरी दुकान में ये तीसरा चोरी। रोहित कुमार।